पुलिस मित्र समूह प्रयागराज द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को हर बार की तरह इस बार भी रक्त कोष मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय प्रयागराज में आयोजन किया गया। पुलिस मित्र समूह प्रयागराज के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में पुलिस मित्र परिवार से जुड़े महिलाएं पुरुषों ने रक्तदान किया। खास बात तो यह रही, इस बार के स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन प्रयागराज के जिला अध्यक्ष मां रिजवान व महासचिव राधे कृष्ण तिवारी व अन्य पत्रकार साथियों ने रक्तदान किया। वहीं पुलिस मित्र परिवार की तरफ से ब्लड डोनेट का कैंपेन चला रहे आशीष कुमार मिश्रा आईजी कार्यालय प्रयागराज ने बताया कि हम पुलिस की नौकरी में रहकर कुछ अच्छा करना चाहते थे और ईश्वर के इस अनमोल तोहफे को हम दान कर किसी की जिंदगी दे सकते हैं, ताकि लोग यह कह सके कि पुलिस कुछ अच्छा भी करती है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपनी बातों को रखकर बताया, आइए सुनते हैं उनकी बातों को। आज जो पुलिस मित्र परिवार की तरफ से जो कार्यक्रम रखा गया है ब्लड डोनेट का, क्या इसका उद्देश्य है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य कहें या हम पुलिस मित्र का उद्देश्य कहें, बात एक ही है। आज हम चार वर्षों से जो मेहनत कर रहे हैं, जो ड्यूटी के बाद से समय निकाल के हम लोग कार्य कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत गौरव की बात है। और हमारे इस पुलिस मित्र में जो हिस्सा बनते हैं, जिनकी हिस्सेदारी होती है इस महायज्ञ में, वो हमारे समाजसेवी हैं, हमारे वरिष्ठ समाजसेवी हैं, पुलिस के अधिकारी कर्मचारीगण हैं और वकील साहब लोग भी हैं, अध्यापक हैं, आप में से मैं कहूं तो पत्रकार बंधु भी बहुत से हैं जो आज रक्तदान किए। और उम्मीद करते हैं सब लोग मिलके पुलिस मित्र ऐसे ही बनेगा कि जो पुलिस और पब्लिक और जितने भी संस्थाएं हैं सब मिलके एक साथ हम लोग कार्य करेंगे तो एक अच्छी मुहिम जाएगी, अच्छा संदेश जाएगा। और आज जितने भी युवा वर्ग हैं, हम सभी को एक संदेश देना चाहते हैं कि इस अवसर पे सभी लोग रक्तदान करें। कोई अपने जन्मदिन पर रक्तदान करे, अपने बच्चे के जन्मदिन पर रक्तदान करे, कोई एनिवर्सरी पर रक्तदान करे, लेकिन करे, चुप ना रहिए, आप लोग सभी साथ आइए, मिलके एक काम करते हैं। कुछ ऐसे पल होते हैं जो हमें व्यक्तिगत लाभ ना सोच के देश प्रथम के हिसाब से सोचना चाहिए, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। वही बात मैं बार बार कहता हूँ, वो फिर से कह रहा हूँ कि हर इंसान चाहता है कि सबके घर में चंद्रशेखर और भगत सिंह जैसे लोग हों, लेकिन मेरे घर में ना हों। तो ये स्मृतिया को हटाइए, हर घर में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो देश प्रथम की भावना सोचे। सोचना तो सभी को चाहिए, लेकिन अगर एक भी इंसान ऐसा सोचेगा तो किसी की मृत्यु रक्त के भाव में नहीं होगी। हमारा विजन 2025 का है, 2025 तक हम पूरे भारतवर्ष के युवाओं को जागरूक करेंगे। उसके लिए हम जो भी प्रयास बन पकेगा, हमारे साथियों का प्रयास बन पकेगा, वो हम करेंगे। और इस पुलिस मित्र के मुहिम में जो हमारे समाज सेवियों का, हमारे जो भी सभी का नाम ले पाना संभव, लेकिन प्रवीण जी हैं और कुंवर जी तिवारी हैं, संतोष जी हैं, आशीष शुक्ला हैं, आलोक जैन जी हैं, अभिषेक जी हैं, तो जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग मिलके इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और आशा है कि सभी साथ आएंगे और इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे और रक्तदान करेंगे। सर, एक छोटा सा सवाल ये भी है कि पुलिस मित्र एक ऐसा शब्द है कि इंसान इसे पुलिस मित्र से जुड़ता तो है, लेकिन उनके मन में भी कुछ लोगों की ऐसे भावनाएं हैं कि पुलिस मित्र से जुड़ने का मतलब हो सकता है पुलिस विभाग को कुछ सूचनाएं देने का काम होता है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पुलिस मित्र की तरफ से ब्लड डोनेट कैंप लगाया जा रहा है, इसका मकसद है और ये कब आपके मन में ये विचार आया? देखिए सर, विचार की अगर हम बात कहें तो ये विचार 4 साल पहले मैंने कई घटनाएं देखी। मैं नौकरी में था तो मैंने देखा कि एक दो की ऐसे केसेज आए जिसमें माँ मर गई, तो किसी का बच्चा मर गया, किसी के चाचा मर गया, तो किसी के भाई मर गया। तो ये चीज़ मेरे मन में खलबली आ गई कि लोग मर रहे हैं मात्र इनको एक यूनिट ब्लड नहीं मिल रहा है। तो इस मुझे लगा कि यार हम भी नौकरी कर रहे हैं और हम 40 साल नौकरी करेंगे, नौकरी करने के बाद फिर हम घर चले जाएंगे, लेकिन वास्तव में अगर हम अपने मन से पूछेंगे तो लगेगा कि हमने देश के लिए क्या किया। हमने वो काम किया जिसकी हमें तनख्वाह मिली है, तो हमने तो वास्तव में देश के लिए कुछ किया ही नहीं। तो मुझे लगा नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। शुरुआत में समस्याएं आई, परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज सब कुछ ठीक है और हम लोग मिलकर रक्तदान कर रहे हैं। और पुलिस मित्र शब्द की बात मैं कहूँ तो पुलिस मित्र नाम ही ऐसा है कि आप समझ सकते हैं कि पुलिस मित्र का ही मतलब कि पुलिस और पब्लिक एक साथ मिलकर ये कार्य करती है। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस और पब्लिक में जो भी आप ले लीजिए, संस्थाएँ ले लीजिए, चाहे समाज सेवी ले लीजिए, वकील साहब ले लीजिए, पत्रकार बंधु ले लीजिए, सभी लोग मिलकर रक्तदान करते हैं। और ये जो पुलिस मित्र की भावना, जो मित्रता की भावना है, जब हम अपने आम जनमानस से मित्रता की भावना रखेंगे, वो हमसे मित्रता की भावना रखेगा, तो हम लोग मिलकर एक देश का, अच्छे देश का निर्माण कर सकेंगे, तभी हमारा भारत दोबारा से महान कहलाएगा। परिचय सर, आशीष कुमार मिश्रा, आईजी रेंज कार्यालय प्रयागराज।